सबसे पहले मैं शरद पवार जी का और उनकी पार्टी के सभी नेताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं, भगवंत मान साहब और हमारे सभी साथी शरद पवार जी के साथ और उनके पूरे सभी नेताओं के साथ यहाँ मिलने के लिए आए थे। आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी तो 23 मई 2015 को एक सिंपल सा नोटिफिकेशन जारी करके केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की सर्विसेज की अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल करने की सारी पावर छीन ली। 2015 से लेके 23 मई 2015 अब मई 2023 हो गया, 8 साल से हम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर दिल्ली के लोग काट रहे थे। 8 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 50 संविधान पीठ ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 50 से पूरा का पूरा ऑर्डर दिल्ली के लोगों के हक में दिया कि दिल्ली के लोग जो सरकार चुनते हैं उस सरकार को काम करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। अगर वो काम नहीं कर सकती तो दिल्ली के लोगों को चुनाव करने की, सरकार चुनने की क्या फायदा। पूरा हमारे हक में आया। लेकिन जो लड़ाई 8 साल में हमने जीती, 11 मई को ऑर्डर आया, 19 मई को 8 दिन के अंदर इन्होंने ऑर्डिनेंस ला के उसको खत्म कर दिया। सारी पावर वापस, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास या केंद्र की एलजी के पास सारी पावर होगी। तो जैसा अभी एक्सप्लेन किया कि अब ये बिल के रूप में आएगा पार्लियामेंट में, तो हम पूरे देश में एक 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 पार्टी के पास जा रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि दिल्ली के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, दिल्ली के लोगों के लिए समर्थन मांग रहे हैं कि जब ये संसद में बिल आएगा तो उसका और इसको बिल को हराना है। तो मैं एनसीपी का, पूरी पार्टी का, शरद पवार साहब का खास तौर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पूरा समर्थन देने की हमें आश्वासन दिया है कि जब ये बिल राज्यसभा में आएगा तो राज्यसभा में इस बिल को पास नहीं होने देंगे। जैसा भी प्रफुल्ल पटेल साहब ने बताया कि राज्यसभा के अंदर किसी भी पार्टी का स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो अगर नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी होती हैं तो ये बिल गिर सकता है।